नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों बिहार इंटीग्रेटेड बीएड ऑनलाइन 2024 के बारे में। दोस्तों इंटीग्रेटेड बीएड की बात मैं कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है, जो कैंडिडेट 12th पास करके बीएड करना चाहते हैं, ये फॉर्म उनके लिए है। क्योंकि दोस्तों अभी जो ग्रेजुएशन कोई करते हैं, ठीक है, तो ग्रेजुएशन में उनको 4 साल का समय लग जाता है। पहले तो 3 साल ही था, अब 4 साल का समय लगता है, ठीक है। तो अगर कोई अभी ऐसे क्या हो रहा है दोस्तों, अभी जो टीचर का क्रेज है, टीचर बनने का जो क्रेज है, वो कुछ ज्यादा ही चल रहा है। मतलब लोग, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो सोचते हैं कि हम अच्छा तो क्वालिफिकेशन करें, बीएड करें और टीचर का फॉर्म भरे, ज्वाइनिंग करें टीचर के फॉर्म में, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो 12th पास कर लिए, वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या करने वाले हैं, सोच रहे हैं। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जो ये सोच रहे हैं कि हम अगर 12th पास कर गए तो 12th का सीधा अगर बीएड हो जाता ज्यादा अच्छा होता। तो उनके लिए ही ये सब, ये जो फॉर्म है वो आपको आया है, जो कि आपको अभी सिर्फ आपको इसका नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म अभी आना बाकी है। मगर ये बेनिफिट क्या होने वाला दोस्तों, कि जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन करके करते थे तो उनको टोटल समय पहले क्या लगता था, 3 साल वो लगता था प्लस 2 साल लगता था बीएड करने का, तो टोटल कितना साल हुआ, 5 साल का। मगर अभी क्या हो जाएगा, अगर कोई अभी बीएड करता है मान लीजिए, तो जो कि 4 साल ग्रेजुएशन प्लस बीएड, मतलब 4 2 6 साल, ठीक है, टोटल कितना, 6 साल। अगर ये कैंडिडेट जो कैंडिडेट 12th पास करके बिहार इंटीग्रेटेड ये वाला जो करते हैं बीएड, ये इस टाइप से बीएड करते हैं, तो उनको टोटल कितना जाएगा, 4 साल का। मतलब उनका जो है ग्रेजुएशन समझिए, 4 साल में ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों कंप्लीट हो जाएगा, उनको बीएड का जो है जो मतलब है सर्टिफिकेट बन जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी पर्पज से बात करें दोस्तों कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या आपको एज लिमिट होना चाहिए, क्या पेमेंट होना चाहिए, इसके बारे में। तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जो भी सरकारी जो भी फॉर्म आते हैं उसका जो नोटिफिकेशन आता है, उसका जो फॉर्म आने वाला था, वो मेरा पूरा मकसद रहता है कि मैं आप लोग को पहले बताऊं। तो चले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, बिहार इंटीग्रेटेड बीएड ऑनलाइन 2024 के बारे में मैंने बता दिया। अब एक चीज देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं क्वालिफिकेशन की बात करूंगा, क्योंकि अभी अप्लाई डेट नहीं आया है तो मैं इसकी बात नहीं करूंगा, मगर ये आने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन है 12th पास 50% मार्क्स। दोस्तों 50% जो मार्क्स है दोस्तों, वो किसके लिए, वो है जनरल ओबीसी के लिए। मतलब जो कैंडिडेट 12th पास कर चुके हैं उनका मार्क्स 50% है, कम से कम 50% जनरल और ओबीसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जनरल और ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका अगर है तो 50% अगर किसी का है तो वो कैंडिडेट को 50% मार्क्स पे वो फॉर्म भर सकते हैं, ये वाला, मतलब इसका फॉर्म भर सकते हैं। जो रिजर्व कैटेगरी है, जो कि एससी है एसटी है, ठीक है, तो उनके लिए 45% मार्क्स, जो रिजर्व कैटेगरी है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ठीक है। तो ये हो गया रिजर्व कैटेगरी के बारे में। अब इसमें देखिए दोस्तों, एज का मैं बात कर रहा हूँ, एज में है नो लिमिट, मतलब कोई भी कैंडिडेट जो 12th पास करके छोड़ दिए हैं, पढ़ा लिखा है कुछ बहुत दिन से उनका छूटा हुआ है, अब वो अब चाहते हैं कि मैं 12th पास कर लिया हूँ तो ग्रेजुएशन में क्या करना, आप सीधा बीएड कर लेते हैं, तो वो कैंडिडेट को एज लिमिट नहीं है, तो आराम से वो क्या कर सकते हैं, बीएड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मगर उनका क्वालिफिकेशन जो है, जो मैंने बताया, वो इतना परसेंट मार्क्स रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं फी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। फी जो है ना, फी है जनरल के लिए 1000 रुपया, ठीक है, जनरल के लिए। बीसी ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है दोस्तों, 750, ठीक है। और इसके बाद एससी एसटी के लिए बात करो दोस्तों, तो वो है 500, ठीक है। ये जो पेमेंट है दोस्तों, ये अलग अलग दे दिया गया है, नोटिफिकेशन में सब कुछ बता दिया गया दोस्तों। जो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं उसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि नोटिफिकेशन दिखा देते क्या होता है, आपका ट्रस्ट और बन जाता है वीडियो पे, ये सही नोटिस है, ये सही नोटिफिकेशन है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं दोस्तों गूगल पे जाकर, ठीक है। मैं वीडियो के एंड में आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सीटी फॉर 4 इयर्स, ठीक है, इसका जो एग्जाम होगा ना दोस्तों, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा पहले, ठीक है, ये आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, इसके बाद ही इसमें आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें जो दो साल का जो कोर्स होगा, मतलब दो कोर्स होगा, बीए बीएड बीएससी बीएड, ठीक है, बीए बीएड एंड बीएससी बीएड, और जो इसका मैंने पहले बताया कि 4 साल का इसका कोर्स होगा दोस्तों, ठीक है, 4 ईयर, ध्यान दीजिएगा, 4 साल में दोनों चीज कंप्लीट हो रहा है, ग्रेजुएशन भी प्लस बीएड भी, ठीक है, तो दोनों चीज आपको कंप्लीट हो रहा है इसमें। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस,
कि सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस में दोस्तों 120 क्वेश्चन आपको रहेगा, 120 पर जो आपको मार्क्स होगा, टाइमिंग जो है ना दोस्तों वो आपको 2 घंटे का होगा, ठीक है। इसमें नो नेगेटिव मार्क है, मतलब अगर आपको गलती भी हो जाता है तो नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्क नहीं है। अब इसमें दोस्तों देखिए इंग्लिश से जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों वो आपको 15 क्वेश्चन आएगा इंग्लिश से, ठीक है, और हिंदी से जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों वो आपको आएगा 15 क्वेश्चन। रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा दोस्तों 25 क्वेश्चन। जीके एंड जीएस आएगा दोस्तों 40 क्वेश्चन। और टीचर लर्निंग एनवायरमेंट इन स्कूल, इससे टोटल क्वेश्चन आपको जो है दोस्तों वो आएगा 25, ठीक है। अब इसका मैं जो आपको तैयारी के बारे में बताऊं दोस्तों, कि जो कैंडिडेट 12th अभी कंप्लीट जस्ट किए हैं, जो इस साल पास थे, ओल्ड भी कैंडिडेट थे, कभी ऐसा हो कि पढ़ाई लिखा उनका छूट गया, किसी कारण से छूट गया है, तो उनको ये बेनिफिट हो जाता है दोस्तों कि जो 12th कंप्लीट है, 12th के बाद उनको सीधा बीएड करने का मौका मिल रहा है। अभी जो फॉर्म जो आता है ना तो टीचर वाला, वो उसमें बीएड है तभी आप कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट है, ये आपको इसी लिए आपको करना चाहिए क्योंकि आपको इसमें कोई लिमिट, एज लिमिट नहीं है, तो ये फॉर्म भर जाएगा दोस्तों। जब ये फॉर्म आएगा ना अप्लाईज का, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लास्ट जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और दोस्तों एक चीज यहाँ देखिए, इसका जो एग्जाम सेंटर जो होगा ना दोस्तों, वो आपको एक सेंटर होगा दरभंगा, एक सेंटर होगा मुजफ्फरपुर, ठीक है, मतलब दरभंगा भी पढ़ सकता है जब फॉर्म भरते हैं, मुजफ्फरपुर भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो भी बिहार इंटीग्रेटेड बीएड ऑनलाइन फॉर्म का इंतजार कर रहे थे, नोटिफिकेशन आ गया है, तैयारी आपका इस प्रकार से होना चाहिए, जब ये फॉर्म आए तो आप इसका जो है सिलेक्शन में निकल सके, आप लोग कर सके। तो आगे जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो मैं आपको नोटिस के माध्यम से बताता हूँ। देखिए दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दे दिया गया, नोटिस दे दिया गया, क्या नोटिस है इसके बारे में। देखिए दोस्तों ये जो नोटिस दिया गया ना, इसके बारे में एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये BRA बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के द्वारा जो है ये आपको जो कोर्स जो होता है वो किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET फॉर योर BA, BEd एंड BSc, BEd इंटीग्रेटेड कोर्स, ठीक है, ये चीज इसके द्वारा आपको जो है लिया जाएगा, इसके द्वारा ये फॉर्म जो भरा जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन इन्हीं के द्वारा है, BRA जो आपको है बिहार यूनिवर्सिटी, जिसके द्वारा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दोस्तों वो इससे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन दे दिया गया, इसका लेटर जो है जारी कर दिया गया, आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन भी क्लियर है, आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा दोस्तों कि ये जो नोटिफिकेशन आया है मुझे, मैं कंफर्म नहीं हूँ ये कि ये फॉर्म आ रहा है, तो मैं इसीलिए इसका नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ कि ताकि नोटिफिकेशन देखने से आपको कंप्लीट हो जाता है कि कितना दिन का कोर्स है, किसके द्वारा होगा, कौन यूनिवर्सिटी के द्वारा होगा इसके बारे में, ये दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप लोग अच्छा लगेगा तो लाइक करके जाइएगा दोस्तों, क्योंकि इसका जो नोडल जो यूनिवर्सिटी है ना दोस्तों, वो आपको बिहार बीएड का, मतलब इसका ही बी जो है यही यूनिवर्सिटी को बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज कंप्लीट है, ठीक है, थैंक यू दोस्तों।